नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 8D का प्रश्न संख्या 23 सवाल देखेंगे, जो किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है। तो देख लीजिए आप, 1/6a माइनस टेन ए माइनस 1/cos a बराबर 1/cos a माइनस 1/6a प्लस टेन ए, ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सिद्ध करना है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है सर, तो इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ हो सकता है, इसमें और इसमें कुछ, मतलब इसका संबंध इससे है, और ये एक ही खानदान के हैं, और ये एक ही खानदान के दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, इससे जो है हमको काफ़ी सुविधा मिलेगी, और नहीं तो दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, इधर का इधर और इधर का इधर, तब जाके बराबर होगा। तो उससे बड़ा जो है प्रोसेस हो रहा है, और इससे जो है सबसे आसान है। ठीक है, तो जो आसान है उसी को बता रहे हैं। तो इसको कर देंगे 1/sec a sec a माइनस टेन ए, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/sec a प्लस टेन ए। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर हो जाएगा 1/cos a और प्लस में 1/cos a। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/cos a को हम लोग लिख सकते हैं 2, देखिए हर बराबर है तो 2/cos a। ठीक है ना, तो अब हम लोग को सिद्ध करना है कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, इतना बराबर इतना। ठीक है, इतना बराबर इतना हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, सेक ए माइनस टेन ए और प्लस में 1/sec a प्लस टेन ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग इस बाएं पक्ष को लेके सॉल्व करेंगे, बायां पक्ष को क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, तो 1/sec a प्लस टेन ए, पहले माइनस है, ये माइनस वाला है सॉरी। ठीक है, अब प्लस में 1/sec a अब प्लस में टेन ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, फिर इसका आपस में गुणा कर देते हैं, सही नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ लिखेंगे बराबर, इसका इधर करेंगे गुणा, तो सेक ए प्लस में टेन ए, और फिर इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका क्रॉस एक में गुणा करेंगे, तो प्लस तो रहेगा ही, और सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा, तो सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से करते हैं, इधर काफ़ी जगह छूट जाता है, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक ब्रैकेट खोल लेते हैं, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, प्लस में सेक ए माइनस टेन ए, अब बटे में, अब इसको इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नहीं है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर को नहीं लिख देते हैं, ए प्लस बी आई ए माइनस बी नहीं लिखते थे, तो इसी बेस पे है, तो इतना मतलब इतना,
यानी कि सेक स्क्वायर ए, अब माइनस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर अब क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए टेन यहाँ प्लस में है, अब टेन यहाँ माइनस में, तो जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या, टू सेक ए, यहाँ बचेगा क्या, टू सेक ए, यहाँ इसको जोड़ेंगे ना, सेक ए या सेक ए, तो टू सेक ए हो जाएगा। अब बटे में इसका मतलब क्या होता है, एक होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक होता है ना सौर समीकरण से, यहाँ लिख देंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, टू सेक ए, अब बराबर लिख सकते हैं क्या, टू अपन सेक बराबर लिख सकते हैं वन अपन कास, तो इसको लिख देंगे टू अपन कास ए, ठीक है, तो इति सिद्धम, यानी कि कह देंगे ये किसके बराबर है, तो बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि बाया पक्ष के, राइट हैंड साइड यानी कि बाया पक्ष, दाया पक्ष बराबर हो गया बाया पक्ष, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद से पूछा गया है पच्चीसवां, बताइए इसी चैप्टर का, तो पच्चीसवां सवाल देख लीजिए, पच्चीसवां सवाल है वन अपान वन माइनस का से प्लस वन अपान वन प्लस का से बराबर टू कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जो है बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष लेकर हल करते हैं, तो बायां पक्ष बराबर वन अपान वन माइनस कॉस ए और प्लस में वन अपान वन प्लस कॉस ए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बराबर, अब देखिए इसमें भी क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा वन प्लस कॉस ए, ठीक, अब बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसका एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा, वन माइनस कॉस ए, यही होगा, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे, अपन इनका आपस में गुणा कर देंगे तो वन माइनस कॉस ए और वन प्लस कॉस ए हो जाएगा, होगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो वन प्लस कॉस ए प्लस में वन माइनस कॉस ए अपॉन में इसका, अब देख लीजिए ये भी ए स्क्वायर, माइनस में भी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो इसको भी ए सॉरी वन माइनस कॉस ए का वर्ग, इसका भी वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो इसका वर्ग कर देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर का वर्ग, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी एक क्वेश्चन में, ए माइनस बी एक क्वेश्चन में होता है ना, ऐसा यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे ए नहीं दिख रहा है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ देखिए प्लस में है ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या, ऊपर ऊपर केवल बच जाएगा टू, तो यहाँ लिख देंगे टू, अब बट्टे में जो क्या लिख देंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई इसको इधर लाएंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो टू अपन साइन स्क्वायर थीटा, अब इस बात को क्या लिख सकते हैं, अब ये हो गया, ओह मान लीजिए कि ये दिख रहा है क्या, एक बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो एक बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर से होता है, यहाँ हो जाएगा टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ए, इति सिद्धम, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं बराबर क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि इति सिद्धम, इति सिद्धम आसान है, ठीक है, जैसे ऊपर 23 है वैसे ही सेम 25 भी है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग जो है वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। थैंक यू।